हेलो गाइस, दिस इज गुंजन शाह। वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स टॉक। सो नाउ 26 टॉपिक इज रन टुवर्ड्स योर फियर। द वर्ल्ड्स बेस्ट केप्ट सीक्रेट इज दैट ऑन द अदर साइड ऑफ योर फियर देर इज समथिंग सेफ एंड बेनिफिशियल वेटिंग फॉर यू। इफ यू पास थ्रू इवन अ थिन कर्टन ऑफ फियर, इफ यू पास थ्रू इवन अ थिन कर्टन of fear, you will increase the confidence you have in your ability to create your life. अगर आप थोड़ा सा भी आगे जाते हो अपने fear के, तो आप अपने अंदर little bit confidence आप increase करोगे। General George Patton said, fear kills more people than death, and death kills us but once. General George वो कहते थे कि जो fear होता है ना, वो पीपल को डेथ ही फियर किल्स मोर। जो डर होता है ना, वो पीपल को ज्यादा मारता है अदर देन डेथ। डेथ किल्स बट एट वंस। जो डेथ है वो एक ही बार मारता है, एंड वी यूजुअली डोंट इवन नो इट, और हमको पता भी नहीं चलता है। बट फियर किल्स अस ओवर एंड ओवर अगेन, सब्टली एट टाइम एंड ब्रूटली एट अदर्स। हर बार क्षणिक क्षणिक बार हमको मारता है, और बहुत बुरी तरह से मारता है दूसरे को भी। बट इफ वी कीप ट्राइंग टू अवॉइड अवर फियर, बट इफ वी कीप ट्राइंग टू अवॉइड अवर फियर, दे विल चेज अस डाउन लाइक अ परसिस्टेंस डॉग। अगर हम फियर को अवॉइड करेंगे ना, तो वो हर बार हमको चेज करता रहेगा लाइक अ परसिस्टेंस डॉग। वो जो डॉग जो था ना, वो बसता रहता है हर बार वैसा। द वर्स्ट थिंग वी कैन डू इज क्लोज अवर आईज एंड प्रिटेंड दे डोंट एग्जिस्ट। और खराब थिंग वो है कि हम अपने आप को ही मीन्स हम अपने आंखों बंद कर देते हैं, और ऐसा ढोंग करते हैं कि ये हमको फियर है ही नहीं। फियर एंड पेन से साइकोलॉजिस्ट नाथनिएल ब्रांडन शुड बी ट्रीटेड एज अ सिग्नल not to close our eyes but to open them wider। अगर हमको fear और कुछ pain है, तो वो actually signal की तरह हमको treat करना चाहिए, not to close our eyes। वो हमने आंखें बंद नहीं करनी चाहिए, लेकिन हमारी आंखें चौड़ी करनी चाहिए। By closing our eyes we end up in the darkest of comfort zone। अगर हम अपनी आंखें close कर देते हैं, तो हम जो comfort zone है उसके अंदर चले जाते हैं, और वो भी बुरी चीज है। एंड बेरिड अलाइव, और हम जिंदा दफन हो जाते हैं, जिंदा दफन हो जाते हैं, बेरिड अलाइव। जेनिस जोफ्लिन्स बायोग्राफी विच क्रोनिकल्ड हर डेथ फ्रॉम अल्कोहल एंड ड्रग अब्यूज। जेनिस जोफ्लिन जिसकी जो डेथ है, वो उसका जो घटनाक्रम है कि वो अल्कोहल और ड्रग अब्यूज से वो मर गया था, was aptly titled buried alive। और वो सही तरीके से उसने टाइटल रखा है अपनी बुक का, अभी जो बायोग्राफी है उसका, अब buried alive means जिंदा दफन। तो जेनी इज एज टू सो मेनी सिमिलर ट्रबल पीपल। जैसे जेनिस जैसे ही उसके जैसे ही सो मेनी ट्रबल पीपल, अल्कोहल प्रोवाइडेड आर्टिफिशियल एंड ट्रेजिकली टेम्पररी एंटीडोट टू फियर। जो अल्कोहल जो होता है ना, वो हमको आर्टिफिशियल मीन्स कृत्रिम रीते और भयानक रीते ट्रेजिकली वो टेम्पररी एंटीडोट देता है फियर को कम करने के लिए। इट इज नो एक्सीडेंट दैट इन द ओल्ड फ्रंटियर डेज द निकनेम ऑफ विस्की वॉज फॉल्स करेज। जो पुराने जो डेज थे, उसमें विस्की का एक अलग नाम था, फॉल्स करेज मीन्स झूठा हिम्मत, झूठी हिम्मत। देर वॉज अ टाइम इन माई लाइफ नॉट टू मेनी ईयर्स एगो वेन माई ग्रेटेस्ट फियर ऑफ ऑल वॉज पब्लिक स्पीकिंग। मेरा जो फियर था वो पब्लिक स्पीकिंग एक फियर था। आई डिडेंट इवन हेल्प दैट फियर ऑफ स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ पीपल वॉज पीपल्स नंबर वन फियर। मीन्स मेरे सामने कितने लोग बैठे हुए हैं, वो मेरा एक फियर था। I didn't even help that fear of speaking। मुझे कोई हेल्प भी नहीं मिलती थी।
फियर ऑफ स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ पीपल वॉज पीपल्स नंबर पीपल्स नंबर वन फियर, इवन ग्रेटर देन द फियर ऑफ डेथ, वो डेथ से भी ज्यादा मुझे डर लगता था। दिस फैक्ट वंस कॉज्ड कॉमेडियन जेरी सेनफेल्ड, उसके जैसा ही ये जो फैक्ट है, वो जो ये जो फियर है वो कॉमेडियन जेरी सेनफेल्ड को भी हुआ, टू द पॉइंट आउट दैट मोस्ट पीपल वुड रेदर बी इन द कॉफिन देन डिलीवरिंग द यूलॉजी। मीन्स जो जेरी सेनफेल्ड है उसने पॉइंट आउट किया कि जो मोस्ट पीपल होते हैं ना वो अपने कॉफिन के अंदर, जो कब्र के अंदर हम डालते हैं ना कॉफिन, उसके अंदर ही रह जाते हैं, इवन दे देन डिलीवरिंग द यूलॉजीज। यूलॉजी मीन्स स्पीच, जो मरने के बाद जो स्पीच देते हैं ना वो, देन डिलीवरिंग द स्पीच डिलीवरिंग द यूलॉजी। फॉर मी इट रेन इवन डीपर देन दैट, वो मेरे लिए उसके उससे ज्यादा भी था, उससे ज्यादा डीपर था। जो ऊपर वाला जो सेंटेंस है मीन्स दिस फैक्ट वंस कॉज्ड कॉमेडियन जेरी सेनफेल्ड टू पॉइंट आउट दैट मोस्ट पीपल वुड रेदर बी इन द कॉफिन, वो कॉफिन के अंदर ही रह जाते हैं, देन डिलीवरिंग द यूलॉजी, वो यूलॉजी के डिलीवरी किए बिना ही वो कॉफिन के अंदर ही रह जाते हैं। फॉर मी इट रेन इवन डीपर देन डेट, एज अ चाइल्ड आई कुड नॉट गिव ओरल बुक रिपोर्ट, आई हैड प्लीड विथ माई टीचर्स टू लेट मी ऑफ द हुक, मुझे इस सब चीजों से दूर रखो, मैंने रिक्वेस्ट किया, आई प्लीड विद माई टीचर टू लेट मी ऑफ द हुक, आई वुड ऑफर टू डू टू और इवन थ्री रिटर्न बुक्स रिपोर्ट इफ आई डिडंट हैव टू डू द ओरल वन, येट एज माई लाइफ वेंट ऑन आई वॉन्टेड टू बी अ पब्लिक स्पीकर मोर देन देन एनी थिंग, माई ड्रीम वॉज टू टीच पीपल एवरीवेयर टू लर्न द आइडियाज दैट लीड टू सेल्फ मोटिवेशन, द आइडियाज दैट आई हैड लर्न आइडियाज, मैंने वो सब आइडिया मैंने लर्न किया, बट हाउ कुड आई एवर डू दिस इफ द स्टेज ऑफ फ्राइट लेफ्ट मी फ्रोजन विथ फियर। मैंने सब पब्लिक स्पीकिंग का आइडिया सब सीख लिया, लेकिन मैं उसको इम्प्लीमेंट कैसे करूँ, क्योंकि वो स्टेज में जब जाता हूँ वो ही मुझे डर की वजह से मैं वहां पे फ्रीज हो जाता हूँ। देन वन डे एज आई वॉज ड्राइविंग इन अ फोनिक्स फ्लिपिंग थ्रू द रेडियो स्टेशन लुकिंग फॉर गुड म्यूजिक इन द कार, आई एक्सीडेंटली हैपन अपॉन अ रिलीजियस स्टेशन वेयर द हिस्ट्रियोनिक प्रीचर वॉज येलिंग, जो हिस्ट्रियोनिक जो प्रीचर था मीन्स वो प्रवचन कुछ कर रहा था, वो येल करता था मीन्स वो बूम पड़ रहा था, रन टूवर्ड्स चिल्ला रहा था, रन टूवर्ड्स योर फियर, अपने जो फियर है अपने जो डर है उसके आगे भागो, रन राइट एट इट, आई हैसंड टू चेंज द स्टेशन, मैंने फटाफट स्टेशन चेंज किया, बट इट वॉज अ टू लेट, डीप डाउन आई न्यू दैट आई हैड जस्ट हर्ड समथिंग आई नीडेड टू हियर, नो मैटर वॉट स्टेशन आई ट्यून्ड आई टर्नेड टू, ऑल आई कुड हियर वॉज दैट मैडम्स वर्ड रन टूवर्ड्स योर फियर। The next day, I still couldn't get it out of my mind. Next day, I couldn't get it out in of my mind. So I called my friend. I mean, I called a friend of mine who was an actress. I asked her to help me get into. I asked her to help me get into an acting class. She had once told me about. एक बार उसने मुझे बोला था. I told her, I thought I was ready to overcome my fear of performing in front of people. मैं in front of people के सामने perform करने के लिए मेरा जो fear है उसको overcome करने के लिए मैं ready हूँ. Although I lived in a high state of anxiety,
The first week of that class, there was no other way around my fear. Even though I lived a high state of anxiety, मैं बहुत चिंता में था, लेकिन जो first week था, was no other way around my fear. वो मेरे जो fear है, उसके दूर करने के लिए मैं कोशिश कर रहा था. No other way around my fear. There was no real way to run from it any longer because the more I ran, the more pervasive I got. जैसे मैं उसको दूर भागता था, वैसे ही मैं उसको जो पब्लिक था, ऑडियंस का, उसके में नेगेटिव रिव्यू में पाता था. पर्वेसिव, पर्वेसिव मीन्स व्यापक, फैलाने वाला. मोर पर्वेसिव आई गोट, पर्वेसिव इट गोट. आई न्यू आई हैड टू टर्न अराउंड एंड रन टूवर्ड्स द फियर और आई वुड नेवर पास थ्रू इट. मुझे पता था कि मुझे मेरे डर को सामना करना पड़ेगा. अदरवाइज आई विल नॉट पास. एमर्सन वंस सेड द ग्रेटर पार्ट ऑफ करेज इज हैविंग डन इट बिफोर. द ग्रेटर पार्ट ऑफ करेज इज हैविंग डन इट बिफोर. पहले से ही डन करना. जो हिम्मत का वो हिम्मत है, उसका एक भाग है कि आप पहले से ही वो चीज करो. एंड दैट सून बिकेम ट्रू ऑफ माई स्पीकिंग इन पब्लिक. फॉर एग्जाम्पल, हमको पब्लिक स्पीक करना है तो आप पहले उसकी तैयारी करो. फियर ऑफ डूइंग इट कैन ओनली बी क्योर्ड बाय डूइंग इट. फियर ऑफ डूइंग इट कैन ओनली बी क्योर्ड बाय डूइंग इट. एंड सून माई कॉन्फिडेंस वॉज बिल्ट बाय डूइंग इट अगेन एंड अगेन. एंड सून माई कॉन्फिडेंस वॉज बिल्ट by doing it again and again. The rush we get after running through the waterfall of fear is the most energizing feeling in the world. जब मैंने मेरे फियर को मैंने दूर किया पब्लिक स्पीकिंग का, तब वो वर्ल्ड फीलिंग जो है वो बहुत सबसे ज्यादा एनर्जी देने वाला था. If you are ever in a unmotivated mood, जो आप under motivated mood, find something you fear and do it and watch what happen. आप जो आपको डर लगता है वो आप ढूंढो और आप वो करो and watch what happen, and उसके बाद देखो आप क्या होता है. Thank you.